नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस ब्यूटी टिप्स हिंदी चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर डिमिलन क्रीम के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, स्टेप बाय स्टेप कौन सी समस्या को दूर करती है, कौन से साइड इफेक्ट हैं और कौन से बेनिफिट हैं, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो बने रहिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी और सही राह मिलेगी। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको किसी प्रकार की जो भी दिक्कत होती है तो अपना सुझाव कमेंट में लिख सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई तुरंत ही मिल जाएगा। दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट्स से मिलाकर यह बनाई गई है, क्रीम कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्ने, पिंपल्स हैं, कील मुहासे हैं, झुर्रियों के निशान हैं, रोमांचे दर हैं, और दोस्तों बहुत सारी जो ऐसी क्रीम आती है मार्केट के अंदर जिसके अंदर हाइड्रोक्विनोन होता है, ट्रोटोनोन, ऐसी जो सामग्री मिलाई जाती है और आप स्किन पे यूज़ करते हो, तो दोस्तों पहले तो 5 या 6 दिन तक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही आप लंबा समय निकलता है 7-8 दिन के बाद में आपकी स्किन हल्की हल्की ब्लैक होने दिखती है, झुर्रियों के जो गड्ढे हैं, झुर्रियों के निशान हैं, ऐसे जो एक्ने पिंपल ज़्यादा बढ़ना वो हो जाता है, साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जो बहुत सारी समस्या बन जाती है और आपकी स्किन पहले से बेकार हो जाती है। धूप में निकलते हो तो आपकी जो स्किन है, चेहरा है, बहुत ही लाल हो जाता है, जलन सी महसूस होती है, तो ये समझ लेना कि आपकी स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट हो रहा है। उसको क्रीम को बिल्कुल भी यूज में न ले क्योंकि बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट करती हैं। दोस्तों साइड इफेक्ट है, अगर आप कि स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट होता है तो यहाँ पे दोस्तों सही होना कम चांस होता है, स्किन बेकार हो जाती है। क्यों जाती है, क्या रीज़न है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों दिन के अंदर आपको सनस्क्रीन क्रीम का ही यूज में लेना है ताकि सूर्य की किरण है उससे आपको सावधानी से पूर्वक आपकी स्किन को सुरक्षित बनाए रखती है, ठीक है। यहाँ पे इस क्रीम के अंदर है ग्लाइकोलिक एसिड है जो आपकी स्किन के ब्रोमसी दर है और स्किन के गड्ढे हैं उसको, झुर्रियों को हल्का करने में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अर्बुटिन है वो भी आपकी स्किन के ऊपर जो एक्ने पिंपल्स हैं उसको कम करने में, कोजिक एसिड है जो स्किन की चमक बढ़ाने में यानी गोरा बनाने में, निखारने में बहुत ही अच्छा वर्क करती है विदाउट साइड इफेक्ट के। दोस्तों इस क्रीम को केवल रात में ही यूज में लेना है, ना कि दिन में। आप कौन कौन इस क्रीम को यूज में ले सकते हैं, दोस्तों चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों इस क्रीम को यूज में ले सकते हैं बेफिक्र होकर विदाउट साइड इफेक्ट के भी। किसी भी प्रकार की त्वचा हो, सभी प्रकार की त्वचा के लिए अवेलेबल है, चाहे ऑयली हो चाहे ड्राई हो, किसी भी प्रकार की चाहे नॉर्मल हो, सभी त्वचा के लिए अवेलेबल रहती है, दोस्तों यूज कर सकते हैं। अब इस क्रीम को केवल रात में ही लगाना है, सोने से पहले बेस्ट फेस वॉश से स्किन को साफ कर इस क्रीम को लगाकर बिंदियों की तरह क्रीम को लगाना, चेहरे के ऊपर गोल हल्के तो इसे मसाज करना और स्किन के ऊपर दोस्तों थोड़ी बहुत क्रीम भी दिखनी चाहिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों पूरी रात लगे रहने दीजिए, सुबह उठते ही गुनगुने पानी से स्किन को साफ कर सनस्क्रीन क्रीम का यूज़ करना है ताकि सूर्य की हानिकारक किरणें, धूल मिट्टी कणों से आपकी स्किन बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही आपकी स्किन चमक बढ़ जाएगी। अगर आपको नहीं बढ़ती है तो कमेंट जरूर करना क्योंकि 100% है, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ये दावे के साथ कहता हूँ। दोस्तों बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा विदाउट साइड इफेक्ट की। आप दोस्तों इस क्रीम को दिन में नहीं लगाना, आपको ये कहा जाए कि रात में लगाना, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है तो आप दिन में भी यूज़ में लेने लगते हैं, फिर आपका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों केवल रात में लगाना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये मार्केट के अंदर 423 रुपये में इजिली अवेलेबल रहती है, आपको नहीं मार्केट में मिलती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा कि कहीं कहाँ पर मिलेगी, आप ऑनलाइन भी इस प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स।